हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ड्राई फिश का एक रेसिपी लेके आई हूँ जो मैं पम्पकिन के साथ बना के दिखाऊंगी। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ मैंने पम्पकिन को इस तरह से क्यूब करके काट लिया है, देख सकते हैं इस तरह से छोटे छोटे। और यहाँ मैंने लिया है दो अनियन और यहाँ मैंने 5-6 गार्लिक की कलियाँ लिया है। और ये है ड्राई फिश जो मैंने अच्छी तरह से गर्म पानी के साथ धोकर साफ कर लिया है, इस तरह से देख सकते हैं। और छोटे छोटे मैंने इस तरह से टुकड़े कर लिया है। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। और मैं पहले डाल रही हूँ ऑयल, और यहाँ मैंने राइस ब्रेन ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छी लगती है ज़्यादा। तो चलिए अच्छी तरह से जब ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें मैं दे दूँगी जो प्याज काट के रखा था वो, और अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और अनियन जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए तभी मैं जो ड्राई फिश है इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी मिलाकर मैं इसमें अनियन के साथ दे दूंगी और फ्राई कर लूंगी। और अब मैं यहाँ दे रही हूँ ग्रीन चिली, तीखा आप लोग अपने अंदाजे से दें। आप लोग चाहे तो चिली का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा चला लूँगी। और जब फिश अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तभी मैं यहाँ ये पम्पकिन ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो चलिए मैं अभी एक एक करके मसाला ऐड करूँगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले डाल रही हूँ नमक, और नमक डालने के बाद अच्छी तरह से चला लूँगी और एक मिनट तक मैं ढक दूँगी ताकि पम्पकिन अच्छी तरह से पक जाए। तो चलिए मैं ढक देती हूँ पहले, और ये देखिए अच्छी तरह से पम्पकिन फ्राई हो चुका है। और इसमें अब मैं डालूंगी हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच जीरा पाउडर, और हाफ चम्मच मैं यहाँ डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। और ये अच्छी तरह से मसाला एक साथ मिक्स कर लूँगी और बहुत अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है पम्पकिन को। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मसाले के साथ पम्पकिन भी मिक्स हो चुका है और देखिए फ्राई भी हो चुका है। अभी मैं यहाँ डालूँगी पानी और अंदाजे से पानी डालूंगी और डालकर ढककर पका लूंगी। और ये देख सकते हैं और पम्पकिन को अच्छी तरह से मैं पकने दूंगी। जब तक अच्छी तरह से गल ना जाए तब तक हमें पका लेना है। तो चलिए मैं ढककर पका लेती हूँ।
और ये देखिए पम्पकिन बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, और जो पानी है वो भी मैं पूरा सूखा दूंगी और ड्राई ड्राई बना लूंगी। और अभी पम्पकिन को अच्छी तरह से मैश कर लेना है ताकि जो फिश है उसके साथ पूरा मिक्स हो जाए। तो चलिए मैं पूरा ड्राई कर लूंगी। और ये देख सकते हैं ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। और ये देखिए ये रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी है, ड्राई फिश के साथ पम्पकिन का रेसिपी। आई होप आप लोगों को मेरा ये रेसिपी पसंद आया होगा, और अगर वीडियो आप लोगों को किसी भी रीजन पर पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा, और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।